नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। कुंभ राशि 8 अप्रैल 2019, जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे। शुरुआत करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय से। आज का अभिजीत मुहूर्त होगा 11:58 से 12:48 तक। राहु काल होगा सुबह 7:41 से 9:15 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में करने हैं आपको शुभ काम और राहु काल में नहीं करना है कोई भी शुभ काम, और यह समय भी आपको सावधानी पूर्वक बिताना चाहिए। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि से देखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज का दिन दो भागों में बटा होगा। पहला भाग प्रसन्नता लेकर आएगा और दूसरा भाग थोड़ी बहुत परेशानियां लेकर आएगा। 3:55 तक दोपहर चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और यह समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सफलता का कारण होगा आपकी सही जानकारी और हर विषय के प्रति आपकी संपूर्ण जानकारी, और यह जानकारी के बल पर आप नौकरी, व्यापार, घर, शिक्षा के क्षेत्र में हर अवसर का लाभ उठा पाएंगे। यात्रा के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। यात्रा किसी भी मकसद से की जाए आपको सफलता मिलेगी। आज आपको आर्थिक प्रगति के सुनहरे अवसर भी प्राप्त होंगे। राजनीतिक सफलता मिलेगी, कुछ बढ़िया लोगों के साथ मिलना जुलना होगा और यह दोस्ती आपकी आपके भविष्य को किसी नए मुकाम पर लेकर जाएगी और भविष्य में कुछ बढ़िया करने की सलाह आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं 3:55 के बाद का समय। चंद्रमा चौथे भाव में मंगल के साथ होंगे। यह समय थोड़ा सा मानसिक परेशानी और चिंता देगा। छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, खेलकूद मौज मस्ती में मन अधिक लगेगा। आपको सुख प्राप्त करने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यदि आप मानसिक चिंता क्रोध से बाहर निकल पाए तो क्रोध व चिंता के कारण आप अपनी शाम खराब कर सकते हैं। आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, किसी के साथ भी वाद विवाद में फंस सकते हैं। आप कहीं सुनी बातों में आकर अपने घर परिवार में अशांति कर सकते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में विवाद कर सकते हैं। तो आप बिना सोचे समझे किसी भी की भी बात पर यकीन ना करें। जब तक पूरी तरीके से पक्का ना कर लें कि यह बात सत्य है, तब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दें। आप किसी से भी बहस ना करें, व्यर्थ की लड़ाई ना करें, अपने काम ईमानदारी से करें तो आज आपकी शाम बेहतर हो सकती है। और यदि आपके प्रश्न में जो उलझने हैं, जो प्रश्न चल रहे हैं, जिनको लेकर आप परेशान हैं, जो चिंताएं चल रही हैं, इन चिंताओं को यदि आप अपने घर वालों से शेयर करते हैं या अच्छे मित्रों से शेयर करते हैं या कुछ प्रश्नों के सवाल आप खुद से पूछते हैं तो आपको अतिशीघ्र इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और दिमाग में चल रही अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो आप यदि ऐसा कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आज के दिन बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं, सुबह भी शाम भी। लेकिन आपको शाम के समय यानी 4 बजे के बाद चिंताओं से मुक्त होने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना और अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे और अपने परिवार जनों का भी ख्याल रखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या उपाय करना है। आज सुबह उठते ही आपको माता जी की आराधना कपूर की आरती करके करनी है और माता जी को कुमकुम का टीका लगाना है। इतना करने मात्र से आज आपको शांति भी मिलेगी और आपकी प्रगति भी और तीव्र गति से होगी। तो उम्मीद करता हूँ कुंभ राशि वाले आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए बताए गए उपाय को भी करेंगे और जो सावधानियां बताई उसको भी करेंगे, तो निश्चित तौर पे आज का दिन सुबह और शाम बेहतर जाएगा और आप एक अच्छे दिन का अनुभव और आनंद ले पाएंगे। तो आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। हरिओम, नमस्कार।